Welcome. Education News. YouTube channel subscribe. बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। अप्रैल या मई में हो सकती है रीट। 2 साल से बेरोजगार कर रहे हैं इंतजार, 10 लाख बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है रीट। रीट की तैयारी शुरू, पैटर्न और सिलेबस पर मंथन। 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने रीट के आयोजन का की कवायद शुरू कर दी है। बेरोजगारी बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारी 2 साल से रीट के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद रीट का आयोजन अप्रैल या मई में संभावित है। परीक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पास ही रहेगी। रीट के आयोजन को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गुरुवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीट का आयोजन जल्दी होना चाहिए ताकि शिक्षक भर्ती की शुरू हो सके। बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। बोर्ड अधिकारियों को परीक्षा से संबंधित समस्त प्रक्रिया जल्दी पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा के पैटर्न पाठ्यक्रम संभावित तिथियों पर मंथन हुआ। अधिकारियों अप्रैल और मई में कुछ तिथियां सुझाई। अब इन तिथियों पर आगे एक बार फिर विचार विमर्श होगा, इसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा। शिक्षा सचिव मंजू राजपाल माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मौजूद थे। अब की बार पूछा जा सकता है, जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। नए 70 से 167 ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी के शिक्षकों की तलाश रीट में पूरी होगी। रीट में अभ्यर्थियों से पूछा जाएगा किस माध्यम से पढ़ाई की है। ऐसे में माध्यम में पढ़ाई करने वाले शिक्षकों की डिटेल मिल जाएगी। युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रीट में राजस्थान के पात्र अभ्यर्थियों को अवसर मिले, इस पर ध्यान रखा गया। रीट से पहले सरकार को इसकी विसंगतियां दूर करनी चाहिए। रीट के बाद शिक्षक भर्ती में स्नातक का वेटम कम किया जाए ताकि किसी से कोई अन्याय नहीं हो। उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। रीट के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड अलग अलग नियमों से हो रही है। एक ही प्रकार की भर्ती 2 नियमों से करना गलत है। दीपेंद्र शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार संघ।